मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ भारतीय पब्लिक स्कूल फिफ्थ क्लास हिंदी ग्रामर। आज हम चैप्टर 10 अव्यय अविकारी शब्द पढ़ेंगे। ये होता क्या है पहले, ठीक है ना? तो लाइन बाय लाइन पढ़ के हम बताएंगे। आप पढ़ चुके हैं कि कुछ शब्द के रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण बदलते हैं, ठीक है, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। परंतु कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके रूप ही नहीं बदलते हैं, जिसका रूप बदलता ही नहीं है। जैसे कि क्या है, वो प्रतिदिन मंदिर जाता है तो प्रतिदिन चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। यदि पेड़ के नीचे सोया है, ठीक है ना, पेड़ के नीचे सोया है तो नीचे के नीचे तो नहीं चेंज होगा ना, सावधानी से चलो वरना गिर जाओगे, वरना कैसे चेंज होगा। ओफ, इसमें ना मतलब ना इसमें आपको वचन होता है या वर्ण नहीं होगा, वचन बदलने के लिंग नहीं बदलता, वर्ण ही तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए बताया कि ये ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। ओफ, कितनी गर्मी। अब ओफ में आप स्त्रीलिंग में ओफ ही बोलोगे क्या, क्या बोलोगे? लिंग वचन बदलो ओफे, ओफे कितनी गर्मी। ये ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इन वाक्यों के रंगीन शब्द प्रतिदिन के नीचे वरना ओफ ये में किसी तरह से बदलाव या विकार नहीं हो सकता, मतलब चेंज नहीं हो सकता। कहने का मतलब यही था, ये हमेशा एक ही रूप में रहते हैं, इसीलिए इस प्रकार शब्दों को हम क्या कहते हैं, अव्यय अविकारी शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? अविकारी शब्द चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबोध, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, अविस्मयादि बोधक। ओके, पहला हम क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मैंने पढ़ा भी दिया है, फिर से रिपीट कर लेना, बुक भी फिल कर लेना। जो शब्द क्रिया के काल, स्थान, रीति आदि की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मालूम है, क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आप ऐसे समझ लो, बच्चे बाहर खेल रहे हैं तो कहाँ खेल रहा है, बाहर, विशेषता बताया तो बाहर हो गया। अध्यापिका अभी अभी आई है, कब आई है अध्यापिका, अभी अभी आई है, तो विशेषण क्या हो गया, अभी अभी। अब इसके चार भेद होते हैं, ठीक है। कालवाचक, जो समय बताता है, ये क्रिया विशेषण है। कार्य, व्यापार होने के समय, मतलब कार्य होने के समय, समय की सूचना देता है कि वो काम कब हुआ है। ओके, वह कल यहाँ आया था, ठीक है। वह हमेशा रोता रहता है, मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ, दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, ये क्या था हमारा, समय बता रहा है। ओके, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बच्चे अंदर खेल रहे थे, अस्पताल आगे है, तुम वहाँ मत जाओ, ये स्थान जगह बता रहा है, वह लड़का इधर ही गया, ये सारा क्या था, स्थान बता रहा है। ओके, जगह बता रहा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण कार्य व्यापार की तरीका, गुण, प्रकार आदि बताया जा रहा है, मतलब किस प्रकार से वो काम कर रहा है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है तो तेज हो गया, उसने ध्यानपूर्वक पत्र पढ़ा, वो नॉर्मल भी पढ़ सकता था पर ध्यानपूर्वक पढ़ा। वह रोते रोते बाहर गया, वो बाहर तो गया पर कैसे गया, रोते रोते गया, ये कैसा था कि तरीका बता रहा था। यहाँ पे क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया कार्य का परिणाम, परिमाण मतलब मात्रा, क्वांटिटी बताता है कि कितना कैसा है। तुम बहुत बोलते हो, बहुत हो गया, बच्चा बहुत रोता, बहुत ज़्यादा ही हो गया। वह थोड़ा शर्माई, मतलब थोड़ा मोड़ा शर्माई नॉर्मल है। तुम खूब आए, मतलब बहुत खुशी हुई जो तुम आए। ओके, अब यहाँ पे क्या है, आपका एक्सरसाइज करना है इसका। खरगोश तेज दौड़ता है, खरगोश जो है तेज दौड़ता ही है। मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूँ, ठीक है ना, प्रतिदिन आ गया। शिवानी किधर गई है, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो यहाँ पे समझ जाओ, यहाँ पे हेल्प बॉक्स भी दिया गया था इसलिए मैंने यहाँ पे देख लिया। दादी माँ धीरे धीरे चलते, दादी माँ तो धीरे चलती ही है, सबकी दादी माँ धीरे धीरे चलती है। ओके, अब इसमें क्या क्रिया विशेषण बताना है, क्रिया विशेषण मतलब क्रिया नहीं बताना, उसकी विशेषता जो बता रहा है उसको बताना है, और भेद भी बताना है कि कौन से भेद में ये आता है। हम शादी में खूब नाचे, खूब नाचे तो क्रिया हो गया ना, पर कैसे नाचे, खूब नाचे। अब ये क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना, परिमाण बता रहे ना कि कितने क्वांटिटी में हम लोग नाचे हैं। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बाहर जगह बता रहा था तो स्थानवाचक। वह रोते रोते सो गया, रोते रोते रीतिवाचक,
तुम मुंबई कब आओगे? कब? काल, समय बता रहा है। ओके, अब ये देखो क्या है यहाँ पे, हमेशा एक ही रूप में रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अभी मैंने बताया है स्टार्टिंग में, जो कभी नहीं बदलता है। क्रिया शब्द क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया शब्द क्रिया विशेषण क्या होता है? शब्द क्रिया की विशेषता बताता है। उसी का ठीक उल्टा कर दिया, जो शब्द क्रिया के काल स्थान रीति आदि की विशेषता बताता उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे संबंध बोधक, ठीक है। क्या है संबंध? जिसके रिलेशन बताया जाता है, ठीक है। जो अभिकारी शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करता है। मैंने बता दिया ना, जो संबंध प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि लाल किला के ऊपर राष्ट्रध्वज फहरा रहा है। राष्ट्रध्वज कहाँ पर आ रहा है? के ऊपर। तो ये संबंध बता रहा है कौन सा? लाल किला और राष्ट्रध्वज के का संबंध बता रहा है। ओके, हैदर के साथ ईशान स्कूल जा रहा है। हैदर और ईशान को क्या कौन में मिला रहा है? तो के साथ। ये क्या हो गया? हमारा संबंध बता रहा है उसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें कुछ अलग है, वही सेम है। पेड़ के नीचे गाय घास चर रही है। पेड़ और गाय दो हैं शब्द, उसमें मैं संबंध क्या बता रहा है? के नीचे। घर के बाहर कुत्ता भौंक रहा है। घर और कुत्ता के बीच में क्या है? के बाहर। संबंध क्या है? के बाहर। भूख के मारे बच्चा रो रहा है। भूख और बच्चा, तो संबंध क्या है? के मारे। ये सारे क्या है? संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। ओके, अब एक्सरसाइज करिए। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। यहाँ पे बहुत सारे हैं, उसमें मैच करते के रहती सॉरी रहित नहीं आएगा, के सहित तो होगा ही नहीं, के साथ नहीं होगा यहाँ पे, और क्या था? के बिना भी इसमें। ओके, फुटबॉल घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए। मैच करोगे तो घर के अंदर होगा, ऑफकोर्स फुटबॉल घर के अंदर नहीं खेलते हैं। यमुना आगरा के पास बहती है। ओके, मनुष्य को चींटी की तरह मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि चींटी बहुत मेहनत करता है, अपने से 8 गुना ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो संबंध शब्द को छांटना है। के पास, राहुल के पास बहुत सारे गुब्बारे हैं, तो के पास, ठीक है ना। बहुत तो क्या हो गया? ये तो विशेषता बता रहा है, विशेषता तो देना ही नहीं हमें। मैंने पतंग की तरफ हाथ बढ़ाया। की तरफ, पतंग और हाथ के बीच में की तरफ। निक्की दादी जी के पीछे चल पड़ा। दादी, निक्की और दादी के बीच में क्या है? के पीछे। पेड़ के नीचे गाय बैठी है, के नीचे। ओके, ये क्या था? संबंध वाला था। अब ये है, जल्दी कर लेते हैं हम लोग। समुच्च बोधक, दो या दो से अधिक शब्द या वाक्य को जोड़ने, मतलब जोड़ने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? समुच्च बोधक कहते हैं, या योजक चिन्ह कहते हैं। ओके, निकिता पढ़ रही है और उसकी माँ खाना बना रही है, मतलब दो वाक्य उसको मिलाना है तो क्या करेंगे? और लगाएंगे। मैं बीमार था इसीलिए मैं स्कूल नहीं गया, तो इसलिए क्या कर रहा है? दो वाक्य को मिला रहा है। ओके, तो समझ गए इसमें कैसे? देखो, और ये और कैसे मैच करना है? मैंने सेब खरीदे और करिश्मा ने केले खरीदे, दो वर्ड हैं, दो अलग अलग वाक्य हैं, उसको मैं मिला दिया किसने? और ने। मैंने कहा था कि आंधी आएगी, मैंने कहा था अलग है, आंधी आई अलग है। उसने राखी भेजी थी लेकिन शुभम को मिली नहीं, तो यहाँ पर लेकिन हो गया। ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई, यो तो अभी छुट्टी ऑलरेडी है पहले, तो इसलिए आ गया। राहुल पेड़ पर नहीं चढ़ा क्योंकि वह बहुत अच्छा था, क्योंकि हीरा के पास ना तो पेंसिल थी और ना ही रबर था, तो ना ना, ठीक है। ये सारे क्या है? वरना, बल्कि, तो, अथवा, चूँकि, अगर, यदि, ये वगैरह, ये सारे क्या थे? संबंध बताते हैं, ठीक है ना। आपको इसमें अंडरलाइन करना आप खुद कर लेना, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ, ये करवा रही हूँ। तुमने कहा था कि
मैं कहानी सुनाऊंगा। तो की शब्द, सेठ जी के पास ढेर सारा पैसा है लेकिन वह बहुत ही कंजूस हैं। तुम्हें सजा नहीं बल्कि पुरस्कार मिलना चाहिए। बिल्ली सारा दूध पी गई क्योंकि वह बहुत ही भूखी थी। राजीव और संजय भाई भाई थे। अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, समझ गए ना। जब मेहनत आप भी करोगे तभी पास होगे पेपर में, वैसे नहीं होगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विस्मयाधिबोधक वर्ड से ही पता चलता है। जो शब्द आश्चर्य, खुशी, घृणा, दुख, प्रशंसा आदि, इच्छा आदि भावों को प्रकट करते हैं उसे विस्मयाधिबोधक कहते हैं। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाय, मेरा पर्स चोर लेके भाग गया। ये सारे क्या थे? विस्मयाधिबोधक। अब देखो यहाँ पे बता दिया गया प्रशंसा, मतलब प्रशंसा में क्या क्या यूज़ करते हैं। वाह, ओह, क्या खूब, आह, बहुत अच्छे। विस्मय या आश्चर्य, ओह, ओहो, अरे बापरे। पीड़ा, शोक, हाय, उफ, हाय राम, आह। प्रोत्साहन, प्रशंसा, शाबाश, वाह, बहुत सुंदर। क्रोध, अरे चुप। चेतावनी, सावधान, होशियार, बचो। खबरदार। घृणा, छी, धिक, हत, उफ, संबंध, हेरा, माँ, अजी। ये सारे वर्ड्स के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। तो आप एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग जल्दी फटाफट। दो शब्द या शब्दांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? समुच्च बोधक कहते हैं। माता जी बाहर गई, क्या है ये? बाहर क्रिया विशेषण, ठीक है। ईशान बाजार की ओर गया है, इस वाक्य में कौन सा है हमारा? ये हो गया हमारा संबंध बोधक, की ओर। उफ, ये हो गया हमारा पीड़ा, अभी मैंने बताया था पीड़ा में उफ। इसमें लिखा हुआ है, आपको हेल्पिंग बॉक्स से ही आपको ढूंढना है। अरे इतनी अच्छी छिपकली मैंने पहली बार, सॉरी, अरे इतनी बड़ी छिपकली मैंने पहली बार देखी है। उफ, मेरा तो सिर दुख रहा है। वाह, तुमने कितने सुंदर चित्र बनाए। ओह, तुम्हें तो चोट लग गई। शाबाश, तुमने क्या कमाल कर दिया। काश आज ऐसा हो पाता, ठीक है ना। वाह, कैसा सुहाना मौसम है। चुपचाप बैठो वरना चले जाओ। पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। हम पार्क में नहीं खेल सकते क्योंकि बारिश हो रही है। एंड मेहनत के बिना कोई काम नहीं हो सकता, तो मेहनत करना ही पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा आप लोग को, नहीं तो पास नहीं होगे। ओके, आज हमने ये चैप्टर इनफैक्ट ये पूरा ही कंप्लीट कर लिया। अब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। आप भी सारा फिल कर लेना।